और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Pro हो या फिर Note 10 Pro Max या फिर MIUI 12 पॉइंट कुछ स्टेबल वर्जन चल रहा है आपके मोबाइल में, तो इन सारे टिप्स को अप्लाई करके आप ज़रूर देखिए, अपना मोबाइल फास्ट भी होगा, वैसे ही बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलने लगेगा अपने मोबाइल में। तो ज़रूर इन टिप्स को ट्राई करके देखिए, आप अपने दूसरे Redmi फ़ोन्स में भी इन सारे टिप्स को ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अच्छे टिप्स हैं, इन टिप्स को आप अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे अपना मोबाइल फास्ट हुआ हो या फिर बैटरी बैकअप ज़्यादा देना स्टार्ट किया हो। तो वैसे चलिए देखते हैं क्या कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करना है इस मोबाइल में। तो सबसे पहला सेटिंग जो है वो सेटिंग्स ऐप्स में है, परमिशन रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बहुत बार इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, सेटिंग्स पर जाएंगे ऐप्स सेक्शन में या फिर आप क्विकली सर्च में भी यहाँ लिख करके फाइंड कर सकते हैं सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स परमिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑटो स्टार्ट करके दिया गया है, मतलब कि कौन से ऐप्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है बैकग्राउंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा बढ़ाना है या फिर अपना मोबाइल फास्ट करना है तो देखिए ऑटो स्टार्ट इन ऐप्स को क्यों करना चाहिए, राइट। तो फ्लिपकार्ट बैकग्राउंड में ऐप रन होके क्या कर रहा है, नोटिफिकेशंस भेज रहा है या फिर कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसको बैकग्राउंड में ऐप रन करने नहीं देना चाहिए, तो वैसे हम जाकर इसको मैन्युअली ऑफ कर देंगे। वैसे ही गूगल फोटोज है, अगर आप क्लाउड सिंक कर रहे हैं गूगल फोटोज से, अपना फोटोज जो है गैलरी से ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज पर स्टोर कर रहे हैं तो इसको रख सकते हैं, अदरवाइज इसको रख के क्या फ़ायदा, राइट। तो बैकग्राउंड में वो बैटरी बैकअप लेगा और परफॉर्मेंस भी डाउन कर देगा अपने मोबाइल का, तो इसकी वजह से इसको ऑफ कर देना है। वैसे ही वॉलपेपर कराउजल करके है, देखिए वॉलपेपर अपना जो अपने को पसंद है, मतलब हम गूगल क्रोम पे जाएंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे या फिर अपने ऐप्स रहेगा कोई ऐप्स पे जाकर आप अच्छा वॉलपेपर डाउनलोड करके रखते होंगे, लेकिन ये Xiaomi का जो वॉलपेपर कराउजल है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन क्यों होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी हम हटा देंगे। तो अभी देखिए मेरे तो इस मोबाइल में इतने ऐप्स हैं तो इतने ही ऑटो स्टार्ट पर रखा हुआ है, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स रह सकता है कि इसको ऑटो स्टार्ट वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलता रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा ऑटो स्टार्ट पर जाके जिन ऐप्स को आपको ऑटो स्टार्ट होना आवश्यक नहीं है तो उसको आप तुरंत ऑफ कर दीजिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा आपको एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नेक्स्ट सेटिंग अदर परमिशंस में यहीं पर है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐप्स क्या परमिशन लिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अमेज़न पर जाएंगे तो अमेज़न पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नोटिफिकेशन कैसे भेज सकता है, होम स्क्रीन शॉर्टकट्स उससे बना सकते हैं या नहीं, लॉक स्क्रीन पर भी नोटिफिकेशन अलाउ किया गया है, तो इस चीज़ का आप अपने हिसाब से कैसे अपने को चाहिए वैसे चेंज करके रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अमेज़न का नोटिफिकेशन जो है वो लॉक स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए, तो इसका जो ये टिक किया गया है इसको हटा देना है, आपको डिनाई कर देना है यहाँ पर, तो डिनाई कर देंगे तो लॉक स्क्रीन पर अमेज़न का नोटिफिकेशन आना बंद कर देगा, वैसे ही बैटरी बैकअप सेव होगा एंड अपना परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाएगा। तो अपने हिसाब से कौन सा ऐप को आप रन होने देना चाहते हैं वैसे अलाउ कर सकते हैं, वैसे ही डिसेबल भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं, ऐप्स में जाकर आप इसको चेंज कीजिए। वैसे ही यहाँ पर परमिशंस करके है, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, सारे ऐप्स का जो है डिस्प्ले पॉपअप विंडोज वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में रन होता ही पॉपअप ऐप्स कौन से ओपन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा आप सपोज कहिए मी क्रेडिट यूज़ नहीं करते तो इस चीज़ को आप डिनाई कर दीजिए बेहिचक, तो इससे आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा, वैसे परफॉर्मेंस बूस्ट भी ज़रूर मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था वो एक। एंड बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ, तो सेटिंग्स एडिशनल सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाना है आपको, तो फिलहाल हम सेटिंग्स पर है तो यहाँ से आप क्विकली सर्च भी कर सकते हैं उस सेटिंग को या फिर यहाँ पर नीचे जाके एडिशनल सेटिंग्स पर जाएंगे। सो एडिशनल सेटिंग्स पर एक्सेसिबिलिटी तो टैप करना है एक बार, यहाँ पर आपको ऐसे स्वाइप करते हुए फिजिकल पर जाना है, फिजिकल, सो पावर बटन एंड कॉल, इसका मतलब यह है अगर इसको मैं टर्न ऑन करके रखूँ तो जब भी कोई कॉल आता है आप बात करते होंगे तो झट से आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, कॉल को कट करना है, तो आप तुरंत जाकर पावर बटन का है ना ऑफ ऑन करने वाला वो एक बार प्रेस कर दीजिए तो इंस्टेंटली कॉल कट हो जाएगा, तो झट से कॉल कट करने के लिए एक शॉर्टकट बटन है, बहुत ही अच्छा है, तो पावर बटन एंड्स द कॉल करके इसको आप ऑन रख सकते हैं। सो दूसरा सेटिंग है सेटिंग्स पर स्पेशल फीचर्स करके दिया गया है MIUI में, तो इस चीज़ का आप ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए वीडियो टूल बॉक्स करके बहुत बार देखे होंगे लेकिन यूज़ नहीं किए होंगे इसको, तो वीडियो टूल बॉक्स में क्या किया गया है, ऑफ रहेगा उसको जाकर आपको ऑन करना पड़ेगा एंड यहाँ से वीडियो टूल बॉक्स शॉर्टकट को भी ऑन कीजिए, तो यहाँ पर साइड में अगर देखेंगे तो एक टूल आपको मिलेगा, अभी नहीं जब आप वीडियो प्ले करते होंगे तब, तो उस टूल को ऑन करके आप बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो वो शॉर्टकट लोकेशन लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए वो भी आप
सेलेक्ट करके ऐसे रख सकते हैं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैनेज वीडियो एप्स, मतलब आप जाकर कौन से वीडियो एप्स को वीडियो टूल बॉक्स यूज करना चाहते हैं उसको टिक करना है। मैंने यहाँ पर यूट्यूब और प्राइम वीडियो को टिक किया हूँ, तो इन दोनों ऐप्स को मैं वीडियो टूल बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ। आपके मोबाइल में ढेर सारे वीडियो एप्लीकेशंस होंगे तो उस चीज़ को भी आप ऑन कर दीजिए। सो बेसिकली इससे क्या होगा, मैं एक यूट्यूब वीडियो प्ले करके आपको बताऊंगा अभी। सो यहाँ पर जो है, जैसे ही मैं यूट्यूब ऐप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लाइन दिखाई देगा आपको, तो इस चीज़ को ऐसे स्वाइप करेंगे ना तो आपको यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा है, रिकॉर्ड कर सकते हैं आप वीडियोस को, वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड कास्ट कर सकते हैं अपने टीवी पर। वैसे स्टाइल्स है, डिफरेंट स्टाइल्स, वैसे डॉल्बी एटमॉस को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर शॉर्टकट ऐप्स भी आप पॉपअप की तरह ऐसे क्विकली ओपन भी कर सकते हैं वीडियो देखते वक्त। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है, मान लीजिए मैं अभी इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, राइट, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वीडियो टूल बॉक्स को ला सकते हैं ऐसे स्वाइप करके। सो वीडियो टूल बॉक्स आ गया अभी, तो यहाँ से स्टाइल को टैप करेंगे ना तो आपको मिलेगा ओरिजिनल आउटडोर। सो अगर आप आउटडोर में बैठकर कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा कर देगा, मतलब जितना ब्राइटनेस ऑलरेडी है उससे ज़्यादा ब्राइट करेगा। वैसे ही सिनेमा मूड भी है, तो सिनेमा देख रहे हैं तो ये मूड रख सकते हैं, रेट्रो मूड है एंड ब्लैक एंड वाइट भी है, तो इन मूड्स को आप यूज़ करके वीडियोस को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये क्विक टूल बॉक्स करके बहुत ही अच्छा Xiaomi ने दिया गया है। एंड वैसे ही आप इंस्टेंटली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने स्क्रीन को, जो वीडियो है आप यहाँ से स्टॉप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्विकली आप उस फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं जो रिकॉर्ड हुआ है। एंड वैसे ही सेटिंग्स में जाकर स्क्रीन रिकॉर्डर में उसका रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ वीडियो क्वालिटी, तो जितना वीडियो क्वालिटी चाहिए, जितना रेजोल्यूशन चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही मैं कहूँगा कि बढ़िया फीचर है, शॉर्टकट है वीडियो टूल बॉक्स, इस चीज़ को आप ऑन करके हमेशा यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस को, हाँ, मैंने ये नोटिस किया हूँ कि Xiaomi में यूजुअली डॉल्बी एटमॉस को ऑन करके रखिए तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, मतलब आउटपुट प्ले में। उसको ऑफ कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है। सो गाइस, ये था वीडियो टूल बॉक्स, बहुत ही अच्छा सेटिंग है। आशा करता हूँ मैं आपको ये यूज़ करके, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको पता था या नहीं वीडियो टूल बॉक्स फ्रॉम Xiaomi। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं ढेर सारे और टिप्स दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ढेर सारे आप वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में ब्राउज करके देख सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऐसे टिप्स देखने के लिए हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जाने इन टिप्स को एंड यूज़ करें। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।